नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा अनलॉक टूल का आगे का पार्ट होने वाला है और इसके माध्यम से हम लोग आगे अदर मोबाइल फोन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे मोबाइल फोन को रिपेयर किया जाएगा। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अनलॉक टूल के माध्यम से हम लोग आपके मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे। आसुस कंपनी के जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को आप कैसे रिपेयर करेंगे। आसुस के भी बहुत मोबाइल फोन मार्केट में आए थे, लेकिन आप पर तो ज्यादातर देखा जाए तो सेल के पर्पज पे ज्यादातर मोबाइल फोन मार्केट में सेल नहीं हुए। आसुस के जितने भी मोबाइल फोन आए थे मोस्टली कंपनी ने जो निकाले थे वो क्वालिकॉम बेस्ड मोबाइल फोन निकाले थे, मतलब जितने भी सारे मोबाइल फोन बनाए सारे क्वालिकॉम प्रोसेसर को लेकर के मोबाइल फोन बनाए और अच्छे हैवी मोबाइल फोन थे। और आसुस के मोबाइल फोन अगर देखा जाए तो गेमिंग पर्पज पे नंबर एक मोबाइल फोन, मतलब जो बहुत ऐसे लोग जो इतने के सारे लोग यूजर थे या जिन लोगों ने उसको लिया वो मोस्टली ज्यादातर जो लोगों ने मोबाइल फोन लेने का पर्पज ये था कि इसके अंदर ये चीज बहुत हैवी है, ये गेमिंग पर्पज के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी है। यानी आप कह सकते हैं उस मोबाइल फोन ग्राफिक के लिए बहुत अच्छा होता था, उस मोबाइल फोन में स्पीड प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा होता था, सीपीयू उसका बहुत हैवी होता है, तो इसीलिए क्या होता है गेमिंग के पर्पज पे मोबाइल फोन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं आसुस के मोबाइल फोन के अंदर उसको अनलॉकिंग कैसे करी जाएगी, आसुस के मोबाइल फोन के अंदर उसको व्यापार भी कैसे बढ़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं दोस्तों अपने टूल के ऊपर और आज हम लोग सीखते हैं कि आसुस के मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा। दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं इटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप वगैरह इस तरीके से ट्रेनिंग आपको दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, पूरा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी तरीके से आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग करना आपको सिखाते हैं। अभी दोस्तों मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये अनलॉक टूल के बारे में लेकर के आया हूँ, कम से कम अगर देखा जाए तो कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट्स ने अनलॉक टूल को परचेज कर लिया है। इसमें से ज्यादातर जो लोगों की कैटेगरी है किसी ने 1 साल का लिया, किसी ने 6 महीने का लिया, कुछ लोगों ने 3-3 महीने का भी लिया हुआ है। तो काफी लोगों ने 3-3 महीने का अनलॉक टूल को परचेज कर लिया है और अनलॉक टूल के माध्यम से काफी लोगों ने तो मोबाइल फोन को रिपेयर भी किया है, लॉक खोल करके देख भी लिया है। तो इससे रहता है कि उनका हाथ सेट हो गया है और जो भी वीडियो के माध्यम से उनको सिखाया है उनको समझाया है उनको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने ये कमेंट किया है कि सर आपको ड्राइवर के बारे में थोड़ा सा वीडियो दीजिए क्योंकि अनलॉक टूल को यूज कर रहे हैं लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं आपको जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं ड्राइवर के बारे में कैसा टॉपिक लेकर के आऊंगा, पूरा सीरीज लेकर के आऊंगा कि आपको ड्राइवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलो चलते हैं दोस्तों कि अनलॉक टूल के माध्यम से मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, इसको कनेक्ट करेंगे कैसे रिपेयर करेंगे। तो हम लोग अपने अनलॉक टूल को ओपन कर लिया है। अनलॉक टूल ओपन करने के बाद सबसे पहली बार हम लोग आसुस पे जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे आसुस पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए आसुस का ऑप्शन आपको आता है। आसुस के बाद जो भी आपके पास आसुस का मॉडल आता है आप यहाँ पर जाकर देखेंगे। आसुस के अंदर देखेंगे मोस्टली जितने भी सारे जो मॉडल बनते हैं सारे एडीएल है एडीएल है एडीएल है ऐसा बन जा रहा है। तो एडीएल बनने का मतलब रहता है इसके अंदर ज्यादातर मोस्टली जो सीपीयू लगा होता है वो क्वालकॉम प्रोसेसर लगा होता है, क्वालकॉम प्रोसेसर लगा होता है। ये एडीएल पॉइंट से कनेक्ट होता है, मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट पॉइंट होते हैं टेक्स्ट पॉइंट होते हैं उसमें अपने डाटा के जितनी यूएसबी केबल को लगाना होता है तब आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से प्रो बनाता है, जब आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो। अच्छा, इसके टेस्ट पॉइंट जो होते हैं आप लोग टेस्ट पॉइंट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आता है होम मोड या एडीएल मोड ये फंक्शन है, यहाँ पर आप लोग इन्हें रिसेट कर सकते हैं, पैक रिसेट कर सकते हैं जिससे आपका मोबाइल फोन लॉक खुल जाएगा। यहाँ से आपके मोबाइल फोन जब आर्टिस्ट हो जाएगी यहाँ पर आपके मोबाइल फोन अनलॉकिंग हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले बात अपने टेस्ट पॉइंट के ऊपर। टेस्ट पॉइंट के ऊपर पहले आपको यहाँ पर मॉडल देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतने सारे जो मॉडल है ये आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जितने भी सारे मॉडल हैं सारे मॉडल आपके आसुस कंपनी के हैं, आसुस कंपनी में दिखे कुछ दो आज मोबाइल फोन है जैसे ये है रोम रोम का मतलब होता है स्नैपड्रैगन। आसुस कंपनी के मुख्य जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन तुम्हारे क्वालकॉम बेस्ड मोबाइल फोन है। कुछ देखिए दो चार मोबाइल फोन ऐसे आए हैं जिसमें मीडिया ने सी टू लगा हुआ है, मतलब ज्यादातर जितने भी सारे मोबाइल फोन आ रहे हैं अगर 100 में देखा जाए तो 100 में से उसका 80 से 90% रेशियो यही है कि उसमें क्वालकॉम बेस्ड मोबाइल फोन बनाए।
इसका मतलब होता है फोन बहुत समर्थन करेगा हैवी मोबाइल फोन होना है। तो सबसे पहली बात जैसे मैं कहता हूँ हमारे पास आसुस जेन फोन को आसुस जेन फोन मैक्स बहुत अच्छा मोबाइल फोन है अपनी मार्केट में बिका बहुत लोगों को परचेज किया। आसुस जेन फोन मैक्स ये अच्छा मोबाइल फोन है। आसुस जेन फोन को ये भी बहुत अच्छा मोबाइल फोन है। हम लोग कैप्चर पॉइंट में जाते हैं। कैप्चर पॉइंट में जाने के बाद कैप्चर पॉइंट में चले गए। कैप्चर पॉइंट में जाने के बाद यहाँ पर आप आसुस में जाएंगे। यहाँ पर आसुस का ही ऑप्शन आता है। आसुस में जाने के बाद आसुस के जेन फोन दिया हुआ बाकी का निकाल सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे गूगल से अगर आप देखेंगे तो बता रहा है दोनों कंट्रोल को छोड़ कर दोनों कंट्रोल से सिंपली लगा दोगे डायरेक्ट में लगा दोगे तो आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा। पीटीएल आपको फोन कनेक्ट हो जाएगा। जब आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा तो सबसे पहली बात क्या जो भी आपका मॉडल रहेगा आप मॉडल ले लेंगे। मॉडल लेने के बाद अगर आपको मोबाइल फोन में पासवर्ड छोड़ना है मोबाइल फोन को रीसेट करना है तो आप यहाँ पर जाकर के मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। बैटरी रिफेक्ट करने में तो बैटरी रिफेक्ट करने में आप मोबाइल फोन एडीएल पॉइंट से पहले ही कनेक्ट कर चुके होंगे तो यहाँ पर रिटायर करता फोन कनेक्टिविटी भी बोलेगा वेटिंग बोर्ड है तो यहाँ पर फोन हमारा कनेक्ट नहीं है। अगर फोन कनेक्ट होता तो फॉर्म 3 लिख कर गया था फॉर्म 5 फॉर्म 7 लिख कर गया था तब तो अपना ऑपरेशन चालू हो जाता है। यहाँ पर सामने की डिटेल आ जाती है और मोबाइल फोन आपको फॉरवर्ड हो चुका होता है। जैसे मोबाइल फोन फॉरवर्ड हो जाएगा फैक्ट्री रिफेक्ट हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन पूरा जो भी लॉक लगा है पासवर्ड लगा है पैटर्न लॉक लगा है पिन लॉक लगा है किसी भी तरह का यदि कोई भी लॉक लगा है तो सारे लॉक आपके आसानी से आपके अपने टूट चुके होते हैं। उसके बाद अगर मोबाइल फोन जब फॉरवर्ड हो जाएगा रीसेट हो जाएगा तो फिर उसमें दोस्तों लग जाता है एफआरपी लॉक लग जाता है। क्या लग जाता है एफआरपी। एफआरपी का मतलब होता है ये हमारे जीमेल अकाउंट में लॉक होता है। कितना लॉक होता है जीमेल अकाउंट में लॉक होता है। जब हम मोबाइल फोन को रीसेट कर देंगे तो रीसेट करने के बाद ही उसमें एफआरपी लॉक लगेगा। हम लोग आगे सीखते हैं। जैसे मैंने उसमें एनएमआर लिया मोबाइल फोन है इसमें एफआरपी लग गया तो आप सेम पहले की तरह मोबाइल फोन कनेक्ट कराइए। फोन कनेक्ट कराने पर यहाँ पर इरेजर पार्टी है इस इरेजर पार्टी पे क्लिक करिए। जैसे इरेजर पार्टी पे क्लिक करेंगे तो इधर इरेजर पार्टी क्लिक करते हैं इरेजर ऑप्शन में चलेगा फोन कनेक्टिविटी बोलेगा फोन कनेक्ट हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन से एफआरपी क्या हो जाएगा खुल जाएगा। तो ज़्यादातर हमारे पास मोस्टली जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर पासवर्ड लग जाता है या उसमें से पैटर्न लॉक लग जाता है पिन लॉक लग जाता है सिंगल लॉक लग जाता है फेस लॉक लग जाता है या उसमें से रीसेट करने के बाद उसमें जीमेल आईडी पासवर्ड मांगने लगता है तो आप इसके माध्यम से आप सारे मोबाइल फोन लॉक को तोड़ सकते हैं। उसके बाद बंधन में आप देख लेते हैं बंधन में क्या क्या फीचर होते हैं। इससे पहले हम स्टॉप करते हैं स्विच ऑफ करने के बाद आपको फंक्शन मिल जाते हैं। तो फंक्शन में हमारी कोई ज़्यादा खास फीचर नहीं है सिर्फ हमारा जूम और रीडियल मॉडल में ही डेवलप है। ज़्यादातर मोबाइल फोन आपके मोबाइल काम के लिए आते हैं तो आप उसको रीडियल पॉइंट से ही मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे और मोबाइल फोन को फॉरवर्ड कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप उसको इतने सारे मॉडल आ रहे हैं ये सारे मॉडल सारे रीडियल अगर इस मॉडल के अंदर कोई भी मोबाइल फोन लॉक लग जाता है तो हम लोग उसको आसानी से क्या कर पाते हैं तोड़ पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया है आसुस का मोबाइल फोन आता है उस आसुस के मोबाइल फोन को कैसे लॉक खोला जाएगा या उसका लॉक खोलने का तरीका क्या है इसके माध्यम से जितने भी मोबाइल फोन होंगे उन सारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर समस्या को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैं लेकर के आया हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इतना हेल्पफुल है कि आप वीडियो के माध्यम से एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कम्प्लीट नॉलेज को आप सीख सकते हैं। ये दोस्तों मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर गया हूँ जो आज अपनी शॉप ओपन करके बैठे हुए हैं या अपना काम कर रहे हैं लेकिन उनको सॉफ्टवेयर काम करने में बहुत परेशानी आती है। वो अपने मोबाइल फोन को लेकर के कहीं दूसरी जगह मोबाइल फोन को बदलवाने जाते थे मोबाइल फोन उनका नेगेटिव हो पाता था या उनके पास ठीक कराने का समय नहीं होता था किसी कारण पर कस्टमर वो वेट नहीं करना चाहता था मोबाइल फोन को लेकर के मार्केट में चला जाता था और आपके आपसे काम चला जाता है। अगर वही काम अगर आपको आता होता है तो है नहीं कि आप निकाल लेंगे आप काम कर नहीं पाएंगे आप बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन तो दिक्कत ये है कि आप लोग चीज के बारे में अच्छे से सीखा नहीं अच्छे से जानकारी नहीं ली अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं ली तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी रह गई है। तो आप अपने तरफ से पूरी इस चीज़ों का भी इशू ना बनाएं और अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट ए से लेकर जब तक कंप्लीट रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास एक स्टूडेंट थे
जो बिहार समस्तीपुर के रहने वाले थे, उन्होंने काफी समय पहले मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स सीखा था। मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स सीखने के बाद उन्होंने काम अपना स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद उन्होंने काम को बंद कर दिया। कह रहे थे उस समय जब मैंने सीखा था तो 2010-11-12 का समय था, और हमने काम सीखने के बाद दुकान खोली, फिर हमको उसका रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट न मिलने की वजह से हमने उसको बंद कर दिया। लेकिन मैं मोबाइल फोन की लाइन से जुड़ा था, तो शुरू से जो भी कोई वीडियो मिलती थी तो मैं देखता रहता था, सीखता रहता था। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कम मैं 5-6 महीने से आपके चैनल को देख रहा हूँ और काफी सारे मैं वीडियो भी देख रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद समझ लीजिए आपकी वजह से जो मैंने सामान था उसको बंद करके मैंने कहीं रख दिया था, उसको फिर से सारे सामान को निकाला, उसके यूज किया। यूज करने के बाद मेरे पास जो मोबाइल फोन आए तो मैंने फिर से कहा कि चलो फिर से अपने औजार उठाए जाए, फिर से काम किया जाए। तो उन्होंने मोबाइल फोन बनाने के लिए स्टार्टअप किया। फिर मेरे पास लैपटॉप ऑलरेडी घर में पहले से ही था, तो मैंने सॉफ्टवेयर के आदि काफी चीजें वीडियो के माध्यम से मैंने सीखा। वीडियो को सीखने के बाद और मुझे एक ऐसा लगा कि मैं इस काम को फिर से दोबारा कर सकता हूँ, तो शायद मेरे पास 10-15 दिन बाद मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आएंगे। और ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज घर बैठे हुए हैं, सिर्फ उनके दिमाग के डाउट ये रहता है कि हम मोबाइल फोन का काम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। ऐसे दिमाग में अगर कोई भी डाउट रहता है तो कोई टेंशन न ले। आप 5-6 महीने आप वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को देखने के बाद सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में आकर उसी को सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के माध्यम से एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में सीखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू।